हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ, तो इस कहानी को पूरा सुनना। ये बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानी है। इस कहानी का नाम है प्रेत के साथ यात्रा। बिहार राज्य के एक बड़े से शहर बिहार शरीफ के रहने वाले सूरज अपने साथ घटी इस भयानक घटना को बताने जा रहे हैं। मेरी उम्र 25 वर्ष है और मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मुझे उस दिन दिल्ली किसी काम से जाना था। तारीख थी 22 मार्च 2011। मैं जाने के दो दिन पहले से ही सारा सामान पैक कर रखा था। 22 मार्च 11 बजे रात को मेरी ट्रेन थी, मुझे अकेले ही जाना था, इसलिए मैं 22 मार्च को शाम में बिहार शरीफ से पटना के लिए बस से ही रवाना हो गया था, क्योंकि पटना स्टेशन से ही मेरी गाड़ी थी, वहीं से मेरी गाड़ी खुलने वाली थी। और मैं स्टेशन पहुंचकर ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। पटना तो मैं ट्रेन आने के 2 घंटे पहले ही पहुंच चुका था, 1 घंटे तो मैंने इधर उधर घूमकर काट लिए। फिर मैं स्टेशन ही गया। 1 घंटे के अंदर मेरे पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें खाने पीने की सामान थी। जब गाड़ी आने में लेट थी तो मैं स्टेशन के बाहर पार्किंग की ओर घूमने के इरादे से चला गया। भारी बैग मेरे पीठ पर एक बड़े बोझ के सामान लग रही थी। पार्किंग की तरफ मुझे घूमते हुए मेरी नज़र दूर अंधेरे कोने में एक बैठी हुई औरत पर पड़ी। उसके हाथ में मैंने एक कटोरा देखा। मुझे लगा शायद ये भीख मांग रही होगी। फिर मुझे लगा ये औरत कोने में क्यों भीख मांग रही है। वह गंदे मैले कुचैले वस्त्रों में थी। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मैं उसे कुछ पैसे देने के इरादे से उसकी ओर चल दिया। वो औरत सीमेंट के एक बने चबूतरे के उस तरफ थी। मुझे चबूतरे के उस ओर घूमकर जाना पड़ता। जैसे ही मैं उस ओर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो औरत वहां पर नहीं थी। मैं एकदम से चौंक गया। मुझे लगा इतनी जल्दी ये कहां चली गई, अभी तो ये एक अपाहिज की तरह यहां पड़ी हुई थी। मैं यही सोच रहा था कि अचानक ट्रेन आने का आवाज़ आया मेरे कानों तक और मैं दौड़कर वहां पहुंचा। मैंने एसी बोगी में सीट रिजर्व करवाया था और मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था। ट्रेन में तो थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ सामान्य हो गया। ट्रेन तक भागकर आने में मेरा गला सूखने लगा था, इसलिए मेरे बैग में पड़ी पानी की बोतल को मैंने निकाला और पानी की एक घूंट पी ली। और इस बीच ट्रेन कुछ मिनटों में खुल गई। मैं लेफ्ट साइड की खिड़की की तरफ था, लेकिन मेरे बगल की सीट अभी भी खाली थी। लगभग 10 मिनट तक वहाँ कोई भी नहीं आया बैठने के लिए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि टीटी अपने साथ एक औरत को लाया और उसे मेरे बगल में बैठा दिया। मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था और शीशे से बाहर गुजरती हुई पेड़ों को देख रहा था। अंदर ऐसी बोगी में काफ़ी शांति का माहौल था और अब रात के तकरीबन 12 बजे से ज़्यादा हो चुके थे, इसलिए मुझे अब नींद भी आ रही थी। रह रह कर मेरे पलकें मूंदे जा रही थी। मैंने एक नज़र अपने बगल बैठी उस औरत पर डाली। मैंने देखा जिस तरह उसे बिठाया गया था, वो एकदम मूर्ति की तरह वहीं बैठी हुई थी और सामने एक सीधा नज़र से देख रही थी। उसकी ये हरकत देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और सोने की चेष्टा करने लगा। आँख लगे बस कुछ ही क्षण हुए थे कि अचानक मुझे लगा मुझे कोई सपने में धक्का देकर उठा दिया हो। मैं चौंक कर उठ गया और तुरंत घड़ी में समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। सपने के कारण मैं थोड़ा घबरा सा गया, इसलिए मैं
बाथरूम की ओर चल पड़ा, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। रात के अब 2:30 बज रहे थे, सभी लोग सोए हुए थे ट्रेन में। मैं बाथरूम से आकर अपनी सीट की ओर जाने लगा। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा वो औरत मेरी सीट पर बैठी हुई थी। मैंने उस औरत को कहा, देखिए ये मेरी सीट है, आप अपनी सीट पर जाके बैठिए और मुझे वहाँ बैठने दीजिए। पहले तो वो औरत सामने की ओर देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कहा वो औरत एक अजीब नज़रों से मेरी ओर देखने लगी। मैंने उसकी आंखें देखी, उसकी आंखों की पुतलियां एकदम फैली हुई थी, नींद की एक झलक भी उसकी आंखों में नहीं थी। बहुत ही डरावनी आंखें थी उसकी। मैं 2-4 बार उसे वहां से हटाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रही थी और वहीं बैठी रही। फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा और उसके सीट पर जाके बैठ गया। मुझे उस पर गुस्सा तो आया ही, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर मैं उसे कुछ कहता तो शोर शराबे में ट्रेन के बाकी सभी लोग जाग जाते, इस कारण से मैं उसे कुछ नहीं कह रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे फिर से नींद आने लगी और मैं सो गया। मैं नींद में ही था कि अचानक मेरे नाकों तक एक अजीब सी खुशबू आई और देखते ही देखते मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा इतनी देर तो कोई खुशबू नहीं आ रही थी, पर अचानक से ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने इधर उधर नज़र घुमाया पर मुझे कहीं कोई नहीं दिखाई दिया और थोड़ी देर के अंदर वो खुशबू बिल्कुल समाप्त हो गई। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने अपने बगल बैठे फिर उस औरत पर नज़र डाली। रात के 3 बज रहे थे, अभी तक उस औरत की आंखों में नींद ही नहीं था। उसका चेहरा एकदम अजीब सा लग रहा था, एकदम लाल। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही क्षण में मैंने देखा वो औरत अपने सीट से उठी और बाहर गेट की ओर चली गई। डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे उसे देखने के लिए चला गया। मैं जानना चाहता था आखिर ये क्या करती है। मैं वहीं एक कोने से छिपकर उसे देख रहा था। शुरू में तो मैंने देखा कि वो औरत एकदम मूर्ति की तरह खड़ी है, गेट के पास और सामने की ओर देख रही थी। बाहर से आ रही तेज हवाओं के कारण उसके बाल भी लहरा रहे थे, जो उसके चेहरे को डरावना बना रहे थे। कुछ ही क्षण बाद मैंने उस औरत की हरकत देखी तो मेरे होश ही कहीं ना कहीं उड़ गए थे। उसे देखकर मेरा पूरा का पूरा शरीर थरथरा रहा था। मैंने देखा कि वो औरत गेट के एक कोने पर अपना पूरा चेहरा उस पर रगड़ रही है, मानो उसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा हो। चेहरे से गिरे खून नीचे फर्श पर थे। अब मैं घबरा गया था और पीछे की ओर हट गया। अचानक उसकी नज़र हम पर पड़ी। मैंने उसकी शक्ल देखी तो इतनी डरावनी शक्ल किसी आदमी की तो नहीं हो सकती। चोट के कारण मांस चेहरे से लटक रहा था, आंखें उसकी फटकर बह रही थी, मानो एक चुड़ैल हो अपने सामने। और देखते ही देखते वो औरत नीचे छलांग लगा देती है। उस अंधेरी रात में वो औरत चलती ट्रेन से कूद चुकी थी, पर पता नहीं वो कहाँ गिरी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और किसी तरह डर के साए में रात काटी। बाद में मैं दिल्ली अपने दोस्त के घर पहुंचकर यह सारी बात उसके परिवार वालों को सुनाई। उन लोगों ने कहा, अगर तुम्हारी कही बात सच है तो तुम्हारा सामना एक खतरनाक चुड़ैल से हुआ था। ये भूत प्रेत ही होते हैं, यह आत्माएं इसी रूप में भटकती रहती हैं, ये किसी का भी रूप ले सकती है। तुम तो किस्मत वाले हो कि बच गए। बहुत लोगों के साथ ये होता है कि भूत प्रेत उन्हें अपने साथ ही खींच लेते हैं। इन लोगों की ये बात सुनकर मुझे पता चला कि आज के ज़माने में भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। इसको रिकॉर्ड करते करते 2 बार लाइन कटा है, क्या कहें यार, यहाँ का ये लाइन
दो बार लाइन काटा है यार, मतलब अंधेरे में सोचो ये सब वॉइस ओवर कर रहे हैं। एक तो डरावनी कहानी, ऊपर से भूत का साया और आ जाता है लाइन कटने पे। अबे फट जाती है यार, समझ रहे हो यार, मतलब अकेले बैठ के ये सब रिकॉर्ड करना। ठीक है चलो, सब्सक्राइब कर लेना, चलते हैं, बाय।